आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसी के कंप्रेसर हम कैसे चेक कर सकते हैं क्लैंप मीटर के थ्रू। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो कंप्रेसर रहते हैं चालू करते से एमसीबी ट्रिप होती है, या कभी वो हाई एम्पियर पे जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि हमें समझ नहीं आता है कि। तो सबसे पहले हम क्लैंप मीटर ले लिए और हम इसे डालेंगे कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे डालने के बाद, कंटिन्यूटी का मतलब जिसके नहीं समझता उसे मैं बता देता हूँ कि जब जो इसमें बजर बजता है हम उस पोजीशन पे क्लैंप मीटर को रखेंगे। जैसे मैंने अभी इस पे डाला कंटिन्यूटी पे, जैसे ही दोनों को आपस में टच किया तो ये बजर बजने लगा। तो इस पोजीशन पे हम रखेंगे और इसको कहीं पे मैं फिट कर देता हूँ ताकि ये आपको भी दिखे और मैं आपको प्रॉपर समझा भी सकूँ। जब तक मैं इसे फिट करता हूँ, आप हमारे YouTube चैनल AC Repeaters को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर बॉडी शॉट चेक करेंगे। बॉडी शॉट चेक करने के लिए हम जो है सबसे पहले तीनों आपस में जो तीन पॉइंट है टर्मिनल है, इसको बॉडी के साथ चेक करेंगे। तो जो क्लैंप मीटर का हमारी जो दो लीड है उसको एक लगाएंगे हम टर्मिनल पर और दूसरी लीड लगाएंगे हम कंप्रेसर के बॉडी पर, मतलब जो भी कॉपर पाइप जाता है या कहीं पे भी, अगर हम दोनों एक जगह लगाएंगे तो इस तरीके का ये बजर बजेगा। तो ये बजर नहीं बजना चाहिए बॉडी के साथ, मतलब जब हम एक टर्मिनल पर लगाएंगे और एक यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम तीनों में चेक कर रहे हैं, तीनों के अंदर बॉडी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, इतना हमें कंफर्म हो गया। अभी हमें दूसरी स्टेज चेक करना है, कहीं ये इंटरनल शॉर्ट तो नहीं है। इंटरनल शॉर्ट मतलब जो आपस में रहते हैं इसके अंदर कंटिन्यूटी बता रही है या नहीं। मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कंटिन्यूटी हमें बताना चाहिए, तीनों भी टर्मिनल आपस में कंटिन्यूटी बताना चाहिए, लेकिन जो हमने पहली मेथड चेक किया बॉडी शॉर्ट उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। ये आपस में बता रहा है इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ओके है। बॉडी शॉर्ट भी चेक किया वो भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ओके है। तो ये जो है हमारा कंप्रेसर ओके है। अगर चालू करने पर ये दो मेथड होने के बाद भी अगर आप एसी कंप्रेसर चालू कर रहे हो और उसके अंदर जो करंट है वो हाई एम्पियर पे जा रहा है, इसका मतलब आपका कंप्रेसर हाई एम्पियर पर डेड है। वो एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, अंदर की वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है, इसके लिए वो हाई एम्पियर पर ट्रिप हो रहा है। अभी जैसे हम इस कंप्रेसर को देखेंगे, इसके अंदर बॉडी शॉट चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले वैसे ही बॉडी शॉट चेक करेंगे जो हमारा पहला मेथड था। बॉडी शॉट तीन किसी में नहीं बजर बज रहा है, इसका मतलब हमारा बॉडी शॉट नहीं है। लेकिन अब हम जो है इसको आपस में देखेंगे कंटिन्यूटी। यहाँ पर जो है हमें सिर्फ रीडिंग शो हो रही है, बजर नहीं बज रहा है, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही है। इसका मतलब ये जो कंप्रेसर है ये भी इंटरनल शॉर्ट हो चुका है, इसकी वाइंडिंग अंदर से ख़राब हो गई है, इसलिए ये आपस में कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये कंप्रेसर डेड है। हमने जो पहला कंप्रेसर चेक किया, अगर वो हमारी दोनों क्लैंप मीटर से ओके दिखा रहा है लेकिन सिर्फ ये आखिरी जो चीज़ है वो अगर हाई एम्पियर जा रहा होगा तो कंप्रेसर डेड है। और अगर आपका मशीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसी एमसीबी चालू करें कंप्रेसर कमांड जाती है वैसी ही एमसीबी ट्रिप हो जा रही है, इसका मतलब आपका मशीन कंप्रेसर आप चेक कीजिए बॉडी शॉर्ट, मैक्स चांसेस रहते हैं कि आपका कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट हुआ हो। अभी हम ये तीसरा कंप्रेसर है इसके अंदर भी हम इसको भी चेक करेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो भी हम क्लैंप मीटर से अभी आपके सामने चेक करेंगे। इसके साथ ही हमारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आपको काफ़ी सारी वीडियो दिख रही होगी, आप वहाँ पे भी जाके हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पे आती है। तो इसका भी हम सबसे पहले बॉडी शॉट चेक करते हैं। ये जो तीन टर्मिनल है तीनों को एक एक करके चेक करना है और एक हमारी लीड जो है वो बॉडी पर रखना है। तो वो तो नहीं दिखा रही है, बॉडी शॉट नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनल चेक करते तो आप देख सकते हैं पहले दो में बताया लेकिन जो तीसरा जो एक पॉइंट है तीसरा टर्मिनल उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही है। इसका मतलब इसका एक टर्मिनल शॉर्ट हो चुका है इंटरनल, इसका एक टर्मिनल इंटरनल शॉर्ट हो चुका है। ये दोनों में दिखा रही है लेकिन ये जो एक पॉइंट है जिसपे मैंने ब्लैक वाली लीड रखा है उसके अंदर नहीं दिखा रही है। तो इसका मतलब एक शॉर्ट हुआ है और ये रिपेयर नहीं होता है, हमारा कंप्रेसर डेड हो चुका है। और अगर हमारी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है या कुछ, नीचे कमेंट में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल AC Repeaters को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।